वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट बच्चों, मैथ्स क्लास 10th। ठीक है बेटा, इंग्लिश मीडियम है तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है हम बात करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। उससे पहले पहले रिकॉल कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा। आपको याद होगा पाई आर स्क्वायर। आप क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ करना जिसका रेडियस 3 हो, तो आप रेडियस 3 लेना और सर्कल ड्रॉ कर लेना आप। ठीक है, प्रकार की मदद से। तो मैं आपके लिए रफली बना देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक सर्कल बना लिया, तो पहले रेडियस बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये हमने एक रेडियस ले लिया, यहाँ पे कितना है ये 3 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटर। और कोण भी 60 डिग्री बना, तो किसी रेडियस पर रख के आप कोण 60 डिग्री का बना सकते हैं। तो ये है जी, हम क्या देख रहे हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये है कोण इनके बीच में 60 डिग्री। जरूर नहीं कि यहीं बनाए, आप कहीं भी किसी पार्ट पे बना सकते हैं। नाउ ये कह रहा है सेंटर एंगल जो है, जो ये एंगल पूरा होता है कितना का होता है, तो बताइए पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री होता है ना। ये तीन बातें क्यों आ रही, क्योंकि ये तीन बातें जो है हेल्प करेंगी हमारे आगे ये क्वेश्चन को करने में। नाउ सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सर्कल का वो पोर्शन, देखिए सर्कल का वो हिस्सा जो 2 रेडियस से और जो उससे रिलेटेड आर्क होगा, रेडियस से जो संबंधित आर्क है उससे मिलकर बनता है। तो ये आर्क है, रेडियस है और ये हिस्सा जो है अगर हम देखें तो पिज्जा याद आया, पिज्जा इसी तरह से काट के खाया जाता है। इसका मतलब इट इज अ पार्ट, इट कैन बी कॉल्ड सर्कल, उसको सर्कल कह सकते हैं। तो सर्कल सर्कल कह रहे हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल कह सकते हैं। तो सर्कल का सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियाई होते हैं उसमें और जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है वो उससे मिलकर बना होता है, यानी आर्क और 2 रेडियस से मिलकर जो हिस्सा है सर्कल का एक पार्ट है। ठीक है, विच इज बाउंडेड बाय रेडियस इज कॉल्ड क्या बताइए, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर इसको हम बढ़ाते जाएं, आर्क को बढ़ा देते, देखिए सेमी सर्कल बन जाता, बनता है कि नहीं, पूरे सर्कल का आधा हिस्सा। तो क्या ये भी वही है सेक्टर, यस। देखिए ये 2 रेडियस है और ये आर्क है और एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो जो ये एंगल बनता है इसको थीटा बोलते हैं और ये कुछ भी हो सकता है 30, 45, 90 या यहाँ देखिए 180 है। क्या सर्कल के 4 हिस्से करें जो क्वाड्रेंट है, क्या वो भी सेक्टर है, यस। देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस और ये है आर्क। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा बन रहा है 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर। ठीक है, सर्कल का एक पार्ट है। तो हमने ऐसी फिगर भी देखी है, पिज्जा शेप भी देखी है, ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये सब क्या है, ये सब सर्कल के पार्ट है, सारी जो फिगर दिख रही है आपको। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हम जानते हैं कि सर्कल का ही ये पार्ट है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो हिस्सा पाई का ही हिस्सा है। तो अगर एंगल 360 है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि पूरा 360 एंगल है। तो एंगल अगर 1 डिग्री है तो होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360, यानी पूरे 360 का, पूरे सर्कल का ये 360वां हिस्सा होगा। तो वैसे ही एंगल अगर थीटा हो गया तो फार्मूला बन जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं या एरिया ऑफ सेक्टर, जब तक बोला ना गया हो। तो जब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना तो क्या होगा, देखिए ये है माइनर आर्क तो ये है मेजर आर्क, तो ये हिस्सा हो गया माइनर सेक्टर और ये हिस्सा हो गया मेजर सेक्टर। तो मेजर कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से जो हमने माइनर निकाला हो उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 आप आराम से कर पाएंगे, अगर मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो उसकी हेल्प से आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बेटा। रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, उसके बाद मेजर सेक्टर का भी निकालना है, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ले ले हम सर्कल, ले ले एक बार सर्कल ले लेते हैं और उसका पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया सर्कल, ठीक है, और रेडियस कितना है बेटा 4 और एंगल है 30। क्वेश्चन नंबर 1, तो कहीं भी आप ले सकते हैं इस पॉइंट को, ये सेंटर हो गया
ये 4 है और इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है, रफली डेटा मैंने ले लिया है। तो आर है 4 सेंटीमीटर और थीटा है 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा बताइए, वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 30 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बोल रखी है उन्होंने, तो यही लेंगे इंटू 4 इंटू 4। तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 1, 2, 4 से 4 3 कट गया, तो क्या आएगा आंसर 16, 5, 12 और 1, 13, 12 ही आएगा, 12 चाहिए, 12 ठीक करो बटा में 3, यहाँ पॉइंट है आता है ना, 2 के बाद पॉइंट आ गया, इसको डिवाइड कर लीजिए, जो 12, 3, 3, 3, 6, 3, 15 मतलब अप्रोक्स जो है 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब उसने पूछा क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया का मतलब क्या है, जो एरिया है सर्कल का, पूरे सर्कल के एरिया में से आप इस माइनर वाला ये वाला एरिया जो है ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये माइनर था, ठीक है, जो हमने निकाला है ना ये माइनर वाला था। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और ये हमने वैल्यू पुट कर रखी है, ये निकाल का, तो 4.18 आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं सीधे। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.18, तो ये आ गया 3.14 इंटू 16 माइनस 4.18। आप इसको मल्टीप्लाई करके ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप खुद कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन वर्क तो खुद ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट मतलब कि चौथा हिस्सा, हमें क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल लेते हैं, सर्कल बनाते हैं, बन गया क्वाड्रेंट मतलब कि चौथा हिस्सा, ये सेंटर है, सेंटर का एक चौथाई हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है, ये है ना क्वाड्रेंट, ठीक है, ये रेडियस है, तो ये थीटा कितना होगा बेटा 90 डिग्री। तो अब ये हमने करना है, क्वाड्रेंट में क्या कहा है, रेडियस लेना है 2, पाई नहीं दिया हुआ तो 22/7 लेंगे। तो आर है 2 सेंटीमीटर, थीटा कितना है बेटा 360 डिग्री है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो फॉर्मूला वही होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 अपॉन 360, पाई है 22/7 इंटू 2 इंटू 2, इससे ये कट गया 4 आ गया, 4 इन दोनों से कट जाएगा, तो 22/7 भी सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी आंसर हो सकता है इनमें से, क्लियर है, पाई भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन में देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक सर्कुलर वाइप है, 2 वाइपर्स है, ठीक है, डू नॉट ओवरलैप, वाइपर देख रहे हैं सर्कल कार के, तो 2 वाइपर्स हैं और हर किसी की लेंथ जो ब्लेड है उनमें वाइपर लगे होते ना वो 25 सेंटीमीटर है, और वो पूरा 115 डिग्री तक वाइप कर सकते हैं। तो टोटल एरिया निकालना है ईच सेक्शन के द्वारा, तो ईच बोला है तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं या दो को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम वाइपर आपको बताते हैं कि होता कैसा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये हमने एक लाइन ले लिया, आप दूसरी लाइन में ले लेते हैं,
ऐसे होता है वाइपर, पता है कि नहीं? अगर इसको आप ऐसे चलाएं तो ये इस तरह से ऐसे घूमेगा, तो हम ये देखें तो ये सर्कल का ही रूप ले रहा है, सर्कल का ही तो एक पार्ट है। इस फिगर को अगर आप पूरा करना चाहें, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, तो ये 115 डिग्री बन रहा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा था, देख लें। यस, और ये सर्कल का हिस्सा ही है, देखिए दो रेडियस से मिलके बना है और ये आर्क हो गई हमारा, ये सर्कल का हिस्सा है कि नहीं? अगर इसको पूरा बनाए तो चीटा है 115 डिग्री, रेडियस है 25 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया निकालना जो वाइप के द्वारा बना है, दोनों वाइप के द्वारा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा है 115 डिग्री बटा 360, पाई की वैल्यू 22 बटा 7 ले लेते हैं, आर है 25 गुना 25, कट रहा है 5 पंजे 25, 5 एक कम 5 सत्ते 35, 5 गुनी 10, और तो कुछ कट नहीं रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आपका आंसर आएगा बेटा, सॉल्व कीजिएगा सबको, ठीक है? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 115 गुना 22 गुना 25 पंजे 125 बटा में 2 से 14 और 49 और 1 50, तो मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 2627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आया, अगर दो का निकालना है तो एरिया ऑफ टू सेक्टर हो जाएगा, सेक्टर वही है जो एरिया बन रहा है बाय वाइप्स, ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना हमें, बस 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 से करेंगे आप तो कितना आएगा, 16 दो चौके 8 9 और 2 से 14 4 और 1 5 2 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, होप आपको समझ में आया होगा। तो एंगल बताइएगा क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट जो है उसमें एंगल थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपका कमेंट का वेट रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।